श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु रूप है, भगवान विष्णु में ही स्थित है और भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा भगवान विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुनि, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुनि, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतरण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास जी है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस वैवस्त मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के चार चार विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था, दूसरे द्वापर के वेद व्यास जी प्रजापति हुए, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवे में सूर्य देव और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए, सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवे के सारस्वत और दसवें के त्रिधामा कहे जाते हैं, ग्यारहवें में त्रिशिक, बारहवें में भद्वाज, तेरहवें में अंतरिक्ष और चौदहवें में वर्णी नामक व्यास हुए, पंद्रहवें में त्रयारूण, सोलहवें में धनंजय, सत्रहवें में क्रतुंजय और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए, भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्य आत्मा कहे जाते हैं। हर्य आत्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम सूक्ष्मवंशी तृण बिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए, उनके पीछे भृगुवंशी त्रक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए, तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ, मेरे अनंतर जातु कर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण देवापयन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि योगों में एक ही वेद के चार चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण देवापयन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम, यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है, यह बृहत और व्यापक है, इसीलिए ब्रह्म कहलाता है। भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही त्रक, यजुः, साम और अथर्व रूप है, अतः उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महतत्व से भी परम सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमो गुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्व गुण और प्रवृत्ति रूप रजो गुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दमशालियों का गंतव्य स्थान है,
जो अव्यक्त और अविनाशी हैं तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाले हैं, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाते हैं तथा जो अविभाग दीप्तमान अक्षय और अनेक रूप हैं और जो परमात्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है, उस ओंकार रूप पर ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार उकार और मकार रूप से तीन भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा श्रृंगमय, साममय और यजुर्मय है तथा त्रग यजुः साम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीर धारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।